हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड भिंडी या भरवा भिंडी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए भिंडी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, अच्छे से उसे धो लिया है, ऊपर का भाग कट कर लिया है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे भिंडी पे चीरा लगाएंगे। चाकू की मदद से इस तरीके से चीरा लगाएंगे, अंदर खोल के हम देख लेंगे। कई बार होता है हमारी भिंडी अंदर से ख़राब होती है, तो चीरा लगाते समय एक बार खोल के आप ज़रूर ये चेक कर लें कि भिंडी ठीक है या नहीं। इस तरीके से खोल के चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी सभी भिंडियों पे चीरा लगा दिया है, अच्छे से सभी को चेक कर लिया है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे 2 चम्मच मूंगफली ली है मैंने, रोस्टेड मूंगफली, 1 चम्मच तिल लिया है सफ़ेद तिल, 7-8 लहसुन की कलियाँ, 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है भुना हुआ। मसाले हमें यहाँ चाहिए नमक, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पे मूंगफली और तिल को कूट लिया है दरदरा, लहसुन को भी ग्रेट कर लिया है। अब एक बोल लेंगे, बोल में मूंगफली और तिल को डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अपना यहाँ पे भुना हुआ बेसन डालेंगे। अब मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, ये गरम मसाला 1/2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, ये भुना जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी 1/2 चम्मच। अच्छे से हम अपने इन मसालों को मिक्स करेंगे। ये मसाले काफी ड्राई हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 चम्मच नींबू का यूज़ कर सकते हो। हम अपने सभी मसाले अच्छे से मिला देंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम भिंडी लेंगे और हाथों की मदद से स्टफिंग फिल करेंगे। इस तरीके से दबा दबा के अच्छे से हमें स्टफिंग भरनी है, फिर उसको ऐसे इस तरीके से बंद कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी भिंडी में मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से स्टफिंग हाथ में लेके अंदर से दबा के अच्छे से उसको इस तरीके से भरना है, बंद करके रखना है। इसी तरीके से हम अपनी सारी एक एक करके भिंडी को स्टफिंग अच्छे से इसमें भर देंगे। ये मैंने अपनी सारी भिंडी रेडी कर दी है, स्टफिंग भर ली है इनमें। अब हम एक पैन लेंगे, पैन को गर्म करेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल का ही यूज़ किया है, ज़्यादा ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अच्छे से तेल को गरम होने देंगे, चारों तरफ तेल को फैला देंगे इस तरीके से, और एक एक करके अपनी भिंडी हम यहाँ पे शैलो फ्राई करेंगे। देखिए सारी भिंडी मैंने इस तरीके से रखी है,
मैं इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी अच्छे से, ताकि ये पक जाए। चेक कर लेते हैं, दूसरी साइड आप इस तरीके से चेक कर लीजिए कि भिंडी अच्छे से सिक गई है या नहीं। थोड़ा हमें इसे गोल्डन ब्राउन, देखिए हो गई है भिंडी। सारी भिंडी एक एक करके मैं इसी तरीके से पलट दूंगी। तो देखिए मैंने सारी भिंडी पलट दी है। स्टफिंग वाला भाग नीचे की तरफ रखा है, स्टार्टिंग में ऊपर था। इस साइड भी हम अच्छे से भिंडी को पकने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ढक्कन लगा सकते हैं, या फिर बिना ढक्कन के भी आप इसे इसी तरीके से पका सकते हैं। एक एक करके चेक कर लीजिए कि भिंडी अच्छे से पक गई है या नहीं। देखिए ये सारी भिंडी अच्छे से दोनों साइड से पक चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद किया है। हमें जब भिंडी को पकाएंगे दोनों साइड से, तो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, हमें तेज आंच पे नहीं पकाना है। तो तैयार है हमारी भिंडी, इसको हम सर्व करेंगे एक प्लेट में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।